भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हुए 3 दिसंबर को गुवाहाटी के समीप शहीद हुए आगर मालवा जिले के ग्राम दीवानखेड़ी निवासी बनवारी लाल राठौर का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव दीवानखेड़ी पहुंचा। सैनिक का पार्थिव शरीर गुवाहाटी से भोपाल और भोपाल से राजगढ़ होते हुए जिले के सौयत से ग्राम दीवानखेड़ी पहुंचा। सैनिक के सम्मान में जहां जहां से भी उनकी अंतिम यात्रा गुजरी वहां वहां हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़क पर शहीद की अंतिम यात्रा के स्वागत में खड़ी दिखाई दी। जिले के सौयत में शहीद के सम्मान में व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और पूरे सौयत नगर में सम्मान के लिए जगह जगह फ्लैग्स और स्वागत द्वार लगाए गए। फौजी के पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचे सेना के वाहन को सौयत में लोगों ने फूल मालाओं से पाट दिया। पूरे मान सम्मान के साथ भव्य अंतिम यात्रा सौयत नगर में निकाली गई। भारत माता के जयघोष के साथ हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने पुष्प वर्षा से यात्रा का स्वागत किया। हजारों की संख्या में लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्हें नम आंखों से विदाई दी। अपने वाहनों के अलावा हजारों लोग कई किलोमीटर तक पैदल ही यात्रा करते समय नजर आए। अंतिम समय में शहीद सैनिक के सम्मान में स्थानीय पुलिस जवानों और सेना के जवानों द्वारा सलामी भी दी गई। इस अवसर पर SP राकेश सागर, SDM सोहन कनास, एडिशनल SP नवल सिंह सिसोदिया, विधायक राणा विक्रम सिंह सहित हजारों लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि सेना में नायक के पद पर पदस्थ शहीद बनवारी लाल राठौर 3 दिसंबर को गुवाहाटी के समीप पहाड़ी इलाके में डोजर से सड़क पर मलबा हटाने का काम कर रहे, तभी डोजर असंतुलित हो जाने से खाई में गिर गया, जिसके चलते इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। दीवानखेड़ी के सरपंच रामदयाल राठौर के इकलौते बेटे 29 वर्षीय बनवारी लाल राठौर 2012 में इंजीनियरिंग ट्रेंड में फौज में भर्ती हुए, तभी से वे देश सेवा कर रहे थे। उनकी शादी 3 मार्च 2013 को श्रीमती सुनीता राठौर, उनके 2 बच्चे, एक बेटे हर्ष की उम्र 5 साल है और दूसरे बेटे जिगर की उम्र मात्र 8 माह। सैनिक की शहादत पर CM शिवराज सिंह चौहान भी 4 दिसंबर को ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं।